हे गाइस, लक्ष्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी 1 किलो दूध के अंदर कितने लोगों के लिए चाय बनेगी, और यदि आप कप के अंदर देना चाहते हो तो कितने कप चाय बनेगी और डिस्पोजन कितने बनेंगे, इसके बारे में आपको बेहतरीन जानकारी देंगे। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपके घर में कोई प्रोग्राम है जिसके अंदर बहुत सारे लोग आ रहे हैं और आपको चाय की व्यवस्था करनी है, तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझना पड़ेगा ताकि आप हर प्रकार की समस्या का हल कर सकते हो। तो आइए गाइस, जानते हैं 1 किलो दूध के अंदर कितनी चाय बनेगी। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, 1 किलो दूध के अंदर 1 किलो पानी को डालेंगे। यदि आपको अच्छी क्वालिटी की चाय बनानी है तो उसके अंदर 1 किलो दूध के अंदर आप 1 किलो पानी डाल दें, एकदम से बेहतरीन और स्वादिष्ट चाय बनेगी। जो यदि आप कप के अंदर देना चाहते हो तो 25 से 30 कप आराम से ये चाय बन जाएगी। जो हम हमेशा घर के अंदर में लेते हैं, वही कप आपको 25 से 30 कप चाय बन जाएगी 1 किलो दूध के अंदर। और अगर आप डिस्पोजन गिलास के अंदर चाय देना चाहते हो तो 1 किलो दूध के अंदर आपको 40 डिस्पोजन गिलास मिल जाएंगे। तो आपने इसी प्रकार से आपको इस वीडियो को समझना है कि अगर आप 1 किलो दूध के अंदर 40 डिस्पोजन गिलास चाय बनाते हो, तो 2 किलो दूध के अंदर आप 80 डिस्पोजन बनाओगे। इसी प्रकार से आप दूध के अनुपात के अंदर आप चाय की मात्रा सही तरीके से रख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि 40 डिस्पोजन आराम से कम ज्यादा चाय पीने वाले होंगे तो आप मान सकते हो कि 40 डिस्पोजन है तो 25 लोग चाय को आराम से पी सकते हैं। और अगर आप 5 किलो दूध की चाय बनाते हो तो आप वो भी इसी प्रकार से बनाइए, चाय एकदम अच्छी क्वालिटी के अंदर बन जाएगी। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। हम ऐसे ही अच्छे अच्छे और बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहते हैं, जिसको देखने के लिए आप बेल आइकन जरूर दबा दें।